नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद पुलिस ने मसाज पार्लर की आड़ में चल रहे शहर में देह व्यापार के धंधे का किया भंडाफोड़। पुलिस ने शहर के दो मसाज पार्लरों की रेड की, जहां पर 10 युवतियों और 5 युवकों को काबू किया गया। मसाज पार्लर की आड़ में चल रहा था देह व्यापार का धंधा। शहर के पालिका मार्केट में वैसेसा रोड पर स्थित मसाज पार्लर पर की गई रेड। पल पल फतेहाबाद से राजेश बांबू की विशेष रिपोर्ट। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि मसाज सेंटरों की आड़ में अनैतिक कार्य चल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने दो टीमों का गठन किया और सिरसा रोड पर स्थित हेवन और पालिका बाजार में अरोमा के नाम से चल रहे मसाज पार्लर व स्पा सेंटर पर कार्रवाई की, जहां से 10 युवतियों को 5 युवकों के साथ काबू किया गया। पकड़ी गई युवतियों की उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच में है। पुलिस ने बताया कि सभी के खिलाफ देह व्यापार अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। आप देख रहे हैं पल पल फतेहाबाद से विशेष रिपोर्ट। ये जो मसाज पार्लर और स्पा सेंटर जो है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी, ये अनैतिक कार्य करवाते हैं, जो इस संबंध में दो टीमों का गठन किया गया, जिसमें जो हेवन था, हेवन जो स्पा है वहाँ इंस्पेक्टर एस एच ओ यादविंदर को, जो आरोमा जो स्पा सेंटर है वह ट्रैफिक एस एच ओ को मतलब पार्टी में शामिल किया। तो क्या मिला सर वहाँ पे? हाँ, दोनों जो सेंटर है उन पर रेड की गई, और जिसमें 10 लड़कियाँ और 5 लड़के वहाँ से। तो देव व्यापार का धंधा चल रहा था जी? हाँ, वो सपा ग्यारह में देव व्यापार का धंधा। तो कहाँ की ये रहने वाली है लड़कियाँ सर? ये लड़कियाँ अलग स्टेट की है, जो पंजाब की है, लुधियाना की है, पंजाब में लुधियाना, जिस तरह पश्चिम बंगाल, हिसार, गुड़गांव और अलग अलग स्टेट की। तो क्या कार्रवाई की गई है सर इसमें? अगर इसमें मोटर ट्रैफिक एक्ट जो एक्ट नंबर 1956 के तहत इनके खिलाफ अभियोग अंकित किया गया है और तफ्तीश जारी है। सर, और लड़कियों की उम्र कितनी बताई गई है, कितनी कितनी साल की? उम्र लगभग यानी कि 25 और 30 के आसपास। नाबालिग भी है सर? नहीं, नाबालिग नहीं। कब से चल रहे हैं ये मसाज? ये काफ़ी दिन से चला हुआ था, लेकिन इन्फॉर्मेशन।